नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्मा कैंडिडेट के लिए एक और परमानेंट वैकेंसी आई है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में। क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को फिल करेंगे, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में, ये परमानेंट वैकेंसी है और इस पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आप देख सकते हैं ये फैकल्टी रिक्रूटमेंट का मुंबई कैंपस में आया है। एडवर्टाइजमेंट है 23 फरवरी 2024 का ये एडवर्टाइजमेंट है। अब हम बात करेंगे मेनली कि क्या कुछ रहने वाला है फार्मा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में बी फार्मा के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आया है। यहाँ आप देख सकते हैं सैलरी लेवल की बात करें तो यहाँ बेसिक 57,700 रुपए से, जो कि पे लेवल 10 में आता है, यहां से आपकी सैलरी स्टार्ट रहेगी। अब हम बात करेंगे मेनली इसके बारे में कि क्या कुछ रहने वाला है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहां आप देख सकते हैं प्रोफेसर का जो पोस्ट है उसमें आपका जो बेसिक पे है वो 1,44,200 रहने वाला है। लेवल 14 का ये जॉब रहेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए फार्मेसी में। इसके साथ ही और कुछ मांगा गया है, इसके साथ ही बैचलर डिग्री के साथ ही आपको पीएचडी होना चाहिए फार्मेसी में, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस में यहाँ 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग के क्षेत्र में या रिसर्च या इंडस्ट्री के क्षेत्र में, यहाँ पर आपको 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके साथ ही यहाँ आप और भी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड डिटेल्स है वो आप देख सकते हैं। दूसरे पोस्ट की बात, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ 55 साल तक एज लिमिट रखा गया है। सेकेंड पोस्ट की बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ बेसिक पे 1,31,400 का है, जो कि लेवल 13A1 का होता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ अभी आप बैचलर डिग्री इन फार्मेसी मांगा गया है। इसके साथ ही आपको पीएचडी इन द रेलिवेंट फील्ड यानी फार्मेसी में पीएचडी होना जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ पर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है टीचिंग या रिसर्च के क्षेत्र में, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे चलते हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है। यहाँ आप देखेंगे 57,700 रुपए यहाँ लेवल 10 का जॉब रहने वाला है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगा गया है फार्मेसी में। अगर आपने बी फार्मा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसके साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर पीएचडी भी कुछ में मांगा गया है, पीएचडी इन रेलिवेंट फील्ड फार्मेसी में मांगा गया है। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का रिसर्च पब्लिकेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल का एज लिमिट यहाँ तक रखा गया है। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करें। तो हमें पेज नंबर 8 पर जाना है। जैसे ही आप पेज नंबर 8 पर जाएंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस वेबसाइट पर जाकर फिल करना है। ये आप देख सकते हैं आईसीटी का मुंबई का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको क्रिएट अ यूजर अकाउंट करके आपको अपना अकाउंट बनाना है, देन आपको ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। ये जो एप्लीकेशन है वो 23 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट जो है वो 17 मार्च 2024 रहने वाला है। जब आप एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो देन आपको इसका पीडीएफ का प्रिंटआउट निकालना है, 3 फोटोकॉपी करना है और इसके साथ ही सेल्फ अटेस्टेड जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, उसका भी 3 फोटोकॉपी करके अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी सेल्फ साइन करके आपको भेजना है 24 मार्च 2024 से पहले कौन से इस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। मेनली पोस्ट कहाँ करना है, इसका एड्रेस दिया गया है द रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 1000 रुपए एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया है, वहीं रिजर्वेशन कैंडिडेट के लिए 500 रुपए रखा गया है। ये इसके नाम से आपका ऑनलाइन फॉर्म में ये आपका अकाउंट नंबर है। तो दोस्तों इसी तरह के वैकेंसी के लिए आप जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे आईसीटी मुंबई फैकल्टी एप्लीकेशन पोर्टल होम पेज पर, यहाँ पहला ही नोटिस बोर्ड में जो वैकेंसी है वो फार्मा कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, यहाँ पर आप क्लिक करके
आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री इन फार्मेसी करके मास्टर डिग्री इन फार्मेसी किया, देन फिर पीएचडी भी कर लिया, अब उन्हें एक अच्छे जॉब की, एक अच्छे ग्रेड पे जॉब की तलाश है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में। इसी तरह के फार्मेसी रिलेटेड वैकेंसी के लिए और फार्मेसी के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।